हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल एजुकेशन लाइफ में। आइए हम सब चलते हैं प्रतिशत के भाग 7 की ओर, अर्थात पार्ट 7th की ओर। आप सब वीडियो में बने रहें क्योंकि आज हम आप लोग के लिए काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन लाए हैं जो कि आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जो विद्यार्थी SSC, GD, एयरफोर्स, नेवी आदि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि वे सब वीडियो को अवश्य ही देखें। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि 2m के 2m प्रतिशत का मान 1 हो तो m का मान क्या होगा। आपके ऑप्शन दे रखा है 1/4, b में 4, c में 5, d में 25, e में कोई नहीं, और यह प्रश्न बैंक RRB में आ चुका है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। 2m का मतलब के मैंने गुणा 2m प्रतिशत। आप जानते हैं कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100। तो यहाँ से 2m बटे में आपका हो जाएगा 100, मान 1 होता है यानी बराबर 1। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो 2^4m² बटे में आपका हो जाएगा 100 = 1। यहाँ से काट सकते हैं 25 * 4 = 100, यानी m² बराबर हो जाएगा 25। यहाँ से घात यानी स्क्वायर गैप करेंगे आपका हो जाएगा रूट में 25, 25 का रूट हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 600 रुपया का 5/6 एवं 600 रुपया का 5/6 प्रतिशत के बीच का अंतर। अंतर का मतलब होता है घटाव। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। 600 का मान गुणा 5/6 हो जाएगा, यहाँ पर आप एवं के जगह माइनस मान सकते हैं। उसके बाद 600 का मान होता है गुणा 5/6 प्रतिशत है तो 5/6 × 1/100 से गुणा करेंगे तो यहाँ से प्रतिशत को भिन्न में बदल सकते हैं, जो कि पिछली वीडियो में आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। आइए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से काट सकते हैं 6 + 6 यानी 100 बार में कट जाएगा। उसके बाद यहाँ से 2 * 0 = 2 6 कट जाएगा, आपका हो जाएगा 100 × 5 = 500 -5, आपका रिजल्ट बचेगा 495, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। आइए हम सब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कह रहा है, राम की आय मोहन की आय से 20% कम है। मोहन की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी हमें बताना है कि जो राम की आय है, मान लीजिए आर हो गया राम, राम की आय मोहन की आय से 20% कम है। आप जानते हैं कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100, और कम कहेगा तो माइनस हो जाएगा, अधिक कहेगा तो प्लस हो जाएगा। आप एक ट्रिक याद कीजिए, कम कहेगा तो क्या होगा माइनस, अधिक कहेगा तो क्या होगा प्लस। आइए क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। राम की आय मोहन की आय से 20% कम है, यानी आप मान लीजिए कि वह मान 100 है, तो कह रहा है 20% कम है किसके आय से, राम की आय मोहन की आय से। तो यहाँ हो जाएगा आपका, अब बना सकते हैं 20 और 20% कम है तो 100 में से आप 20 घटाएंगे तब बचेगा 80, और प्रतिशत के लिए आप 100 से गुणा कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से सॉल्व कीजिएगा, 0 से 0 कट गया। उसके बाद 2^8, यहाँ से 2^8 करा सकते हैं, और 2 × 20। उसके बाद 2^2 = 4, 2 × 5 = 10। उसके बाद 5 × 10 यानी आपका आ जाएगा 5 × 5 यानी आपका आ जाएगा 25%। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। चाय के मूल्य में 25% की कमी, सॉरी दोस्तों, चाय के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो।
तो यहाँ कह रहा है 25% की वृद्धि। हम आप लोगों को पहले बोल चुके हैं वृद्धि का मतलब आपका हो जाएगा प्लस, अर्थात जुड़ना। तो कह रहा है चाय के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। अब लास्ट में यहाँ कमी कर रहा है तो वहाँ पर अधिक काम करेंगे, तो यहाँ से 25% वृद्धि कर रहा है तो 25 हो जाएगा, और मान के चलिए 100 है तो 100 में 25% वृद्धि तो आपका हो जाएगा 25 जुड़ जाएगा तो आपका हो जाएगा 125। तो 25 के बटा में 125 और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, उसके बाद 25 × 125 और 20 × 100 आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी आपका आंसर आ चुका है 20%। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। और इस प्रकार से प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न जो है आज प्रेजेंट टाइम में परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग अवश्य ले लें। अरे दोस्तों, हम लोग अगले प्रश्न को चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या में 10% बढ़ोतरी की जाए और फिर 10% की कमी कर जाए तो उसके मान में, ऑप्शन ए में दिया है कोई परिवर्तन नहीं होगा, बी में कह रहा है 0.1% बढ़ोतरी होगी, सी में कह रहा है 1% बढ़ोतरी होगी, डी में कह रहा है 1% की कमी होगी, और ई पूछा है कोई नहीं। अर्थात इस तरह के क्वेश्चन यदि परीक्षा में आ जाए तो आप लोग बस ट्रिक मेथड से बना सकते हैं। जैसे 10% बढ़ोतरी कर रहा है और फिर 10% कमी, जिस क्वेश्चन में 10% कमी या 10% वृद्धि बोले और कमी बोले, या हम वहाँ अंक बदल करके 50% वृद्धि और 50% कमी बोले, या 100% वृद्धि या 100% कमी बोले, तो आप लोग इस ट्रिक से बनाइएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, +10 − −10 − 10 × 10/100 लगा देंगे और वहाँ से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से 0 से 0, 0 से 0 गया, उसके बाद आपका बचा 10 − 10, यहाँ से हो जाएगा −1 − 10 − 10 − 1 आपका हो जाएगा −11, आपका बचेगा −1, यानी यहाँ माइनस आया है तो कमी हो जाएगा, तो यानी 1% की कमी होगी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किसी भी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी की गई तो उसके वेतन में परिवर्तन है। यहाँ देखिए 20% वृद्धि है और 20% कमी है, ठीक ऊपर वाला ही टाइप है, तो इसे भी हल कर सकते हैं आप लोग। +20 − −20 − 20 × 20/100 आपका हो जाएगा 100, उसके बाद यहाँ से करा सकते हैं 0 से 0, 0 से 0 आपका हो जाएगा 20 − 20, यहाँ हो जाएगा दुगना के 4। अब इसे हल करेंगे 20 − −20 − 4 आपका हो जाएगा −24, अब घटाएंगे तो आपका बचेगा −4, यानी यहाँ कमी आ गया, तो आप लिख सकते हैं 4% कमी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आप लोग सेकेंडों में हल कर सकते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट अवश्य ले लें आप लोग। अरे दोस्तों, हम लोग अगले प्रश्न को चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या के 50% से 50 घटाया गया तो शेष 50 बच गया, संख्या ज्ञात करें। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इसे, यानी 50% कह रहा है कि एक संख्या, मान लीजिए वह संख्या x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, z कुछ भी मान सकते हैं, तो कह रहे हैं 50%। आप जानते हैं प्रतिशत का मतलब होता है 100, तो 50% से 50 घटाया गया तो लिख सकते हैं आप लोग 50x, है ना, 50% कह रहा तो 50x हो जाएगा, और प्रतिशत के लिए आप 100 नीचे लगा सकते हैं। 50 घटाया गया, लीजिए मैंने 50 घटाया तो शेष 50 बच जाता है, तो आप 50 बराबर में लिख सकते हैं, क्योंकि कह रहा है 50% में से 50 घटा करके 50 बच जाता है, तो यहाँ से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 50 से कम 50 गुना के 100 आपका हो जाएगा x / 2
बराबर 50 माइनस में था तो इधर जाएगा, हो जाएगा प्लस एक्स बटा दो, 50 हो जाएगा आपका 100, यानी एक्स बराबर आपका 100 × 200, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। आइए इसको हल करते हैं। यदि ए की ऊंचाई, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 10% अधिक है तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम है? तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से ही बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि परीक्षा में समय कम रहता है एवं प्रश्न ज़्यादा। आइए इसे सॉल्व करते हैं। कह रहा है 10%, मान के चलिए कि प्रतिशत का मतलब होता है 100, 10% अधिक कर रहा है तो आप लिख सकते हैं 10 वृद्धि हुई 10% की, यानी 100 पर, तो आपका हो जाएगा 110, यानी 10/110। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर सकते हैं, 0 से 0 कटा सकते हैं, 10 × 10 में आपका हो जाएगा 100/11, आपका आ चुका है 9 से 1/11%, यानी 99 100/11, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। और इसी प्रकार से प्रश्न पढ़ने के लिए, ऐसे ही प्रश्नों, इससे भी अच्छे अच्छे प्रश्न पढ़ने के लिए हमारे चैनल एजुकेशन लाइव को सब्सक्राइब कर लें और पूरे पूरे प्रश्नों का आनंद लें और अपनी परीक्षा की तैयारी करें। आइए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। यदि किसी वर्ग के सम्मुख भुजाओं के जोड़ों को क्रमशः 40% तथा 30% बढ़ाया जाए तो परिणामी आयत का क्षेत्रफल कौमा वर्ग के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक होगा? तो ऐसे भी प्रश्नों को हल करने के लिए आप परीक्षा में, एग्जाम में ट्रिक का सहारा ले सकते हैं। जैसे पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को बताया कि यदि वृद्धि हो रहा है एवं कमी हो रहा है तो आपको क्या करना था, उसमें से घटा करके माइनस ऊपर का गुणा नीचे 100 लगाकर हल करना था। लेकिन यहाँ पर ठीक उसी प्रकार से कर रहा है, 40% तथा 30% बढ़ा दिया जाता है, अर्थात दोनों काम बढ़ने वाला बोला है, घटने के लिए नहीं बोला है। कह रहा है कितना प्रतिशत अधिक होगा, इसमें अधिक बोला है तो आप यहाँ पर ट्रिक साइड लगा सकते हैं, 40 + 30 + 40 × 30 बट्टे में हो जाएगा आपका 100। आप इसे सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो 40 और 30 70 प्लस, यहाँ से 0 से 0 काट सकते हैं, 4 × 3 = 12, उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ से 82, यानी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आप लोग एजुकेशन लाइव को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और कुछ ऐसे हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, स्टूडेंट हैं जो रोज़ हमें अपने कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ अवश्य लिखते हैं, और जिसमें से हम नाम लेना चाहेंगे, सभी का तो नाम नहीं ले पाएंगे क्योंकि समय कम है, तो कुछ स्टूडेंट का हम नाम अवश्य लेना चाहेंगे। अभय पांडे, मनोज यादव, निखिल सिंह राजपूत, गुज्जर, जय महाकाल, छोटू कुमार, प्रेम कुमार, उसके बाद हैं किशोर कुमार, दीपक मसूई जो कि बिहार के छात्र हैं, उसके बाद कविता कुमारी, बहुत से स्टूडेंट हैं जो हमारे इस कोचिंग से, अर्थात जो चैनल है एजुकेशन लाइफ, उससे जुड़ चुके हैं और पढ़ाई का आनंद ले रहे हैं। आप सब भी हमारे इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी ज़िंदगी, अपना किस्मत बना सकते हैं, और काफ़ी मेहनत हम करेंगे और आप लोग को करवाएंगे भी। और आप लोग पूरी तरह से तैयार रहें, और जो विद्यार्थी लॉकडाउन में तैयारी कर रहे हैं वे कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वहाँ पर जो है बेल आइकन अवश्य दबा दें, ताकि जो भी मेरा वीडियो जाए सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हम यह भी कहना चाहेंगे कि वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अपना भलाई और दूसरे का भी भलाई करें। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।